एम सोल्यूशन चैनल प्रॉब्लम का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस से संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है कि राम ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, राम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। इसके लिए सबसे सुपर ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा आप इस तरह के क्वेश्चन को 100% सही ही करेंगे। तो इस ट्रिक को जान लीजिए, मैंने इस ट्रिक को पहले से ही लिख के रखा ताकि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखने का मौका मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिक है कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर गुणे 100। तो इसी सूत्र में, इसी ट्रिक में हम वैल्यू पुट करेंगे। राम ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, यानी क्रय वस्तुओं की संख्या, यानी 15 खिलौने खरीदा जा रहा है, तो 15 का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना बेचेंगे, 10 खिलौने बेच दिया, यानी 10 का स्क्वायर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, यानी यहाँ भी रहेगा 10 का स्क्वायर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो दिख रहा होगा। 15 का स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, गुणे कितना लिखना है, गुणे लिखना है 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 225 में से 100 घट जाएगा, आएगा 125%। अगर ये आंसर प्लस में आता है तो प्रतिशत लाभ हुआ, और यही आंसर यदि माइनस में आता है तो प्रतिशत हानि हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से हल कर लें। इसमें ये चीज़ है, देखना ध्यान से आपको, कि 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 8 के भाव से बेचा, यानी इसमें इसको खरीदा और इससे इसको बेचा, यानी अंक दोनों यही है घुमा फिरा के, 8 और 10, 10 और 8, यानी सेम डिजिट है। तो यहाँ पर भी अगर हम प्रतिशत लाभ की बात करें तो ध्यान देंगे आप कि 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, यानी 10 सामान खरीदा, यानी यहाँ पर रहेगा 10 का स्क्वायर, क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है 10, 10 का स्क्वायर। अब विक्रय वस्तुओं की संख्या देखिए कितने में क्या बेचता है, 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, यानी 8 को बेचेगा 8 का स्क्वायर बटे में, हम फिर यही वाला लिख देंगे 8 का स्क्वायर गुणे 100। कैलकुलेट करेंगे तो होगा 100 माइनस 8 अठाए 64 बटा 64 गुणे 100। अब इसे थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, 100 में से 64 घट जाएगा तो आएगा 36 बटा 64 गुणे 100। अब इसे काट देंगे, काटने के बाद कितना आएगा देख लिया जा रहा है, 8 से काट दिया जाए, 4 से काट दिया जाए, तो 4 9 36 और 4 से काटेंगे 16 चौके 64 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 900 बटा 16। 16 से इसमें हम भाग देंगे, 16 5 80, 5 आएगा कितना बचा 10 100, 16 6 96, इतना सही 4 बटा 16%, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 56 सही 4 बटा 16%। चार बटे 16 को काट देंगे तो 56 सही 1/4%, ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से दूसरा भी सवाल है, दूसरे सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल इसी ट्रिक पर दूसरा सवाल, यानी ये पम्मी वाला सवाल हल हो जाएगा। पम्मी ने 80 टॉफियां 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ये जो 80 टॉफी दिया है इसका कोई यूज नहीं है इस ट्रिक में, तो 80 से इस ट्रिक से कोई मतलब नहीं है, यानी 80 अगर नहीं दिया रहता तब भी आप ये सवाल इसी सूत्र पर हल कर देते हैं कि पम्मी ने 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। चलिए हम लोग
इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद के, यानी खरीदी गई वस्तुओं की संख्या 4 है और बेची गई वस्तुओं की संख्या 5 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे हम। तीसरे सवाल को हल करने के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर गुणे 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो शायद ये माइनस में आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 हो गया, माइनस 5 25 25 हो गया, नीचे भी 25 हो गया गुणे 100 हो गया, तो 25 से 100 कटे, 25 चौक 100, 16 में से 25 घटेगा तो -9 गुणे 4, 9 चौक 36 -36 आ रहा है। तो माइनस में आने का मतलब हुआ कि 36% क्या हुआ, 36% हानि हुआ। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में मैंने आपको 3 सवाल बताया, तीनों एक ही ट्रिक पर आधारित सवाल था। आप इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों सवालों को तैयार कर सकते हैं। बार बार परीक्षा में आने वाला ये सवाल है, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, UPP का हो, SSC का हो, बैंक का हो, किसी भी कंपटीशन वाले परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो इस तरह का प्रश्न जरूर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मन से सीखेंगे और समझेंगे और इस ट्रिक को याद रखेंगे और हमारे चैनल को भी याद रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।